हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिविटी फॉर योर वे बाय शालिनी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आज के थंबनेल में आपने देख ही लिया है, आज हम गणेश चतुर्थी से रिलेटेड क्राफ्ट करेंगे जो काफ़ी इजी और अच्छे होंगे। इसके लिए मैंने सबसे पहले मैं एक गणेश जी बना रही हूँ। ये मेरे कस्टमाइज गणेश जी हैं, ये मेरा किसी का ऑर्डर है तो वो कंप्लीट करना था। ये यहाँ पर मैंने मोल्डेड ली है, मोल्डेड से गणेश जी की शेप दूंगी। सबसे पहले उनका जो पेट है, पेट को बनाऊंगी थोड़ा सा ओवल शेप देकर, और फिर उसके बाद में ईयर्स की शेप दूंगी। और ईयर शेप देने के बाद में इनके जो पैर है, गणेश जी के जो पैर है, पैरों को बनाऊंगी। उन्हें थोड़ा सा मैं स्केल की हेल्प से शेप दूंगी, हल्का सा उठा हुआ बनाऊंगी जिसे देखने में काफ़ी अच्छे लगेंगे। और बीच में ये हल्का सा मैंने यहाँ पर होल किया है नाभि के लिए। नाभि बनाने के बाद में फिर हम इनकी सूंड बनाएंगे। सूंड बनाने के लिए हम इसे फिंगर्स के बीच में हल्का सा रोल करेंगे। ऊपर वाला पार्ट थोड़ा बड़ा रहेगा और नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा पतला कर लेंगे, तो जिससे ये इनकी सूंड बन जाएगी। और ईयर्स को हल्का सा उठाने के लिए मैंने नीचे से हल्का हल्का सा सपोर्ट दिया है। ऐसे हम इनकी थोड़ी छोटी छोटी सी कोयल बनाकर हैंड और मोदक बना देंगे। और ऊपर माथे पर हम एक टीका लगाएंगे। यहाँ पर मैं हल्का सा वाइट और रेड कलर को मिक्स करके कलर कर रही हूँ, जो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था। ये कलर करने के बाद में मैं इसे वाइट कलर से थोड़ा सा इन्हेंस करूँगी। वाइट कलर से इन्हेंस करने का मीनिंग है, जैसे इनकी टीका हो गया, सूंड पर जो डिजाइन होता है वो हो गया, या पैरों में हल्का हल्का सा गोल्डन कलर करूँगी। पैरों को मैं गोल्डन कलर करने के बाद में, ये पूरे हम पैरों को अच्छे से गोल्डन कलर करने के बाद में यहाँ पर हल्का सा हम वाइट कलर से शेड देंगे। और जो इनका मोदक है, मोदक को भी गोल्डन कलर से करेंगे। और वाइट कलर से ही हम इनका एक जनेऊ बनाएंगे। जनेऊ गणेश जी के लिए बनता ही है, तो जनेऊ बनाएंगे। और फिर इनका हम ऊपर की तरफ टीका बना देंगे वाइट कलर से। पूरा हम इनकी जो वाइट कलर से इन्हें थोड़ा सा इन्हेंस करेंगे, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगेगा। अगर आपको ये क्राफ्ट आइडिया अच्छा लगता है गणेश चतुर्थी के लिए, तो मुझे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट भी कीजिए। आप मेरा चैनल देखते तो हैं पर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं मोटिवेट होंगी और कुछ अच्छा अच्छा न्यू क्राफ्ट बनाऊंगी। जब आप मेरे चैनल पर मेरी वीडियो पर क्राफ्ट वीडियो पर कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, और मैं मोटिवेट होती हूँ कि हाँ मुझे कुछ और अच्छा बनाना है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अब इसमें हमारा ये गणेश जी सारे कंप्लीट हो गए हैं। इसी तरह से अब ये मेरे पास में एक एसल है, एसल पर मैं इन्हें बैठा दूंगी। एसल पर बिठाने के बाद में ये मुझे किसी के कस्टमाइज बनाने थे, कस्टमाइज करने थे, तो इनमें नीचे की तरफ मैं बहुत सारी टेप लगा दूंगी। अगर उन्हें कहीं पर पेस्ट करना होगा तो ये इजीली पेस्ट हो जाएंगे। अब हम सेकंड क्राफ्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पर मेरे ये कुछ खाली नेल पेंट की शीशियाँ हैं। इन्हीं नेल पेंट की शीशियों पर हम आज गणेश जी बनाएंगे। ये नेल पेंट की शीशियों पर हम गणेश जी की सूंड बनाएंगे, ऊपर से रोल करके नीचे से पतला कर देंगे। ईयर्स बनाएंगे और हाथ बनाएंगे। इसी तरह हम ये और जो हमारी और भी नेल पेंट की शीशियां हैं उन पर इसी तरह से बनाएंगे। बस इनकी सूंड को थोड़ा सा अलग अलग मोड़ में मोड़ते रहेंगे, मतलब मोड़ना में इधर की साइड ही है पर थोड़ा हल्का फुल्का सा चेंज कर देंगे। ये एक मस्कारे की शीशी है, मस्कारे की शीशी को भी मैंने रीयूज किया है, जो बनने के बाद में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। इन पर भी हम इसी तरह से गणेश जी बनाएंगे। एक मेरे पास में फैब्रिक कलर की बोतल थी खाली, उन पर भी मैंने गणेश जी बनाई है। इसी तरह से मेरे ये 9 से 10 गणेश जी बनकर रेडी हो गए हैं, जो देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। इस तरह से आप भी अपनी जो वेस्ट चीज़ें हैं रीयूज कर सकते हो, और घर को अच्छे से होम डेकोर में भी यूज कर सकते हो, और किसी को गिफ्टिंग के पर्पज से भी आप इन सब चीज़ों को यूज कर सकते हो। रिक्रिएट करने का मीनिंग ही है कि हम रिक्रिएट करके किसी को गिफ्ट देते हैं तो वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, और
या फिर हम अपने होम डेकोर में भी यूज कर सकते हैं। अब हम इन पर कलर करेंगे। मैं यहाँ पर एक्रेलिक कलर का यूज कर रही हूँ। आप इस पर पर्ल कलर का भी यूज कर सकते हो और चोक कलर का भी यूज कर सकते हो। ये जो बेस पर मैं एक्रेलिक कलर करूँगी, पर जो गणेश जी बनाए हैं गणेश जी पर मैं पर्ल कलर का ही यूज करूँगी। किसी में गोल्डन, किसी में कॉपर और किसी में डिफरेंट डिफरेंट कलर यूज करूँगी। इसके बाद में हम गणेश जी को इसमें भी हाईलाइट करेंगे। इनको हाईलाइट करने के लिए मैंने वही सेम वाइट कलर का यूज किया है। वाइट कलर से इनको हाईलाइट करेंगे और हाईलाइट करने के बाद में हम इन पर पॉलिश को अप्लाई कर देंगे। इस तरह से आप गणेश जी के अलावा और भी बहुत चीज़ें बना सकते हो, या किसी और चीज़ की बोतल पे भी आप गणेश जी को इसी तरह से बना सकते हो। आपके पास में अगर खाली टीन के डिब्बे हैं तो उस पर भी इसी तरह से आप गणेश जी बना सकते हो। ये बनने के बाद में काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इसी तरह से आप इन्हें पेयर में भी बना सकते हो, सिंगल भी बना सकते हो। इसे आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, ये बहुत ही ईजी है। और बच्चे अगर इसे ट्राई करेंगे तो बच्चे इसे करने में काफ़ी इन्जॉय करेंगे और अपना टाइम भी अच्छे से स्पेंड करेंगे। कभी कभी बच्चों को होता है कि हम घर में बोर हो रहे हैं, हम क्या करें, तो बच्चे इस तरह का क्राफ्ट करके घर में होम डेकोर में भी यूज कर सकते हैं। और जब वो अपने हाथ से चीज़ें बनाएंगे तो उन्हें खुद को भी काफ़ी अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर हम गणेश जी के जो टीका है वो सब बना रहे हैं। टीका और इनकी आईज और जो टीथ हैं, किसी किसी गणेश जी में मैंने टीथ बनाए हैं, किसी में नहीं बनाए हैं। जिनमें टीथ नहीं बनाए हैं उनमें मैं वाइट कलर से टीथ को हल्का हल्का सा निकाल दूंगी, जिससे वो बनने के बाद में काफ़ी अच्छे लगेंगे। और यहाँ पर ये हमारी जो जितनी भी बोटल्स हैं बनकर रेडी हैं और बनने के बाद में काफ़ी अच्छी लग रही थी। और जब हमारे ये सब ड्राई हो जाएगा, ड्राई होने के बाद में हम इन पर पॉलिश अप्लाई करेंगे। पॉलिश अप्लाई करने का मेन रीज़न यही है जिससे हमारा जो भी क्राफ्ट है वो सिक्योर रहे और लॉन्ग लास्टिंग रहे। क्योंकि क्राफ्ट में जब हम अपनी अच्छे से वर्क करते हैं तो हमें लगता है हमारा जो क्राफ्ट आइटम है वो काफ़ी अच्छे सिक्योर रहे, तो इसीलिए हम यहाँ पे पॉलिश करेंगे। तो आइए, आपको ये वाला क्राफ्ट आइडिया कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम अपने थर्ड क्राफ्ट आइडिया पे चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक ये एम्ब्रॉयडरी रिंग ली है और एक वुडन पीस मेरे पास में बचा हुआ था, ये लिया है। इन्हें दोनों को मैंने फैब्रिक बॉन्ड की हेल्प से पेस्ट कर दिया है। अब ये एक गणेश जी मेरे पास में रखे हुए थे, चौकी वाले गणेश जी, तो ये वाली चौकी मैं इस पर जो हमारा रिंग है रिंग पर मैं पेस्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा इसे पेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी, पर हम इसे अगर थोड़ी देर के लिए पकड़ कर रखेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगी। फैब्रिक बॉन्ड का से जब भी हम किसी चीज़ को पेस्ट करते हैं तो वो अच्छी तरह से पेस्ट हो जाती है। उसमें बस हमें ये ध्यान रखना पड़ता है, जब हम दो चीज़ों को आपस में पेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें फैब्रिक बॉन्ड को हल्का हल्का सा ड्राई होने के बाद ही आपस में पेस्ट करना चाहिए। ये जो मैंने पीछे की तरफ एक नेट ली है, ये नेट मेरे पास में रखी थी तो उसी नेट का मैंने यूज कर लिया है। और ये वाली जो लेस है लीफ वाली, ये मैंने अमेजोन से मंगाई थी काफ़ी पहले, तो इसी लेस का मैं यहाँ पर साइड में यूज कर रही हूँ। और ये फ्लावर्स भी मेरे पास में रखे हुए थे, इन्हीं का मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। और ये पीकॉक फेदर हमने यहाँ पर पेस्ट किया है, जो बनने के बाद में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो ये हमारे इजली एक गणेश चतुर्थी के लिए एक गणेश जी का सिंहासन रेडी हो गया है। हम इन्हें भी अपने जब हम डेकोर करेंगे तो इस तरह से हम अपने गणेश जी को डेकोर कर सकते हैं। तो आपको ये वाला आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसे बनाने के बाद में हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि गणेश जी हमारे थोड़े हैवी हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेंगे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए क्राफ्ट के साथ। बाय बाय एवरीवन।